हाँ जी पता चल गया, थैंक यू। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू जी, रोजे कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? छुट्टियों में खूब मजे कर रहे हो ना जी? बेटा आज का लेक्चर जो हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको स्लाइड तक लेके जा रही हूँ जहां से हमने डिस्कनेक्ट किया था। जी आपको लर्निंग डोमेन्स मैंने बता दिए थे, ठीक है, कि लर्निंग डोमेन्स जो हैं वो थ्री लर्निंग डोमेन्स होते हैं। उस दिन मैंने आपको जो टीचिंग एंड लर्निंग का लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि टीचिंग एंड लर्निंग है क्या, टीचिंग की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। कुछ लर्निंग के लिए लर्निंग डोमेन्स होते हैं, थ्री डोमेन्स मैंने बताया था, कॉग्निटिव डोमेन्स, साइकोमोटर डोमेन्स एंड इफेक्टिव डोमेन्स, ठीक है। थ्री डोमेन्स जो मैंने बताए थे उसके बाद इफेक्टिव डोमेन्स तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, कि लर्निंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलती रहती है, ये भी हमारा हो चुका था। जी ये भी कि हम लर्निंग के लिए जो है वो असेसमेंट कैसे करते हैं। नर्सिंग डायग्नोज भी हो चुकी थी, प्लानिंग भी हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है। इसमें मैंने बताया था कि जो जैसे हम नर्सिंग डायग्नोज करते हैं इसी तरह हम टीचिंग डायग्नोज करते हैं जी स्टूडेंट, ठीक है। जिस तरह से नर्सिंग केयर प्लान आपको बताया था कि पेशेंट को हमने असेसमेंट करनी है, फिर उसकी प्लानिंग करनी, डायग्नोज करनी, फिर प्लानिंग करनी, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान फिर हमने इम्प्लीमेंट करनी है, और फिर अवेलुएशन होगी हमारी कि हमारा पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं। जब हम अपना प्लान सेट करते हैं तो उसी वक्त हम अवेलुएशन का ख्याल रखते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा प्लानर है, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है जिसकी, वो उसका आउटकम क्या होगा। इसी तरह से जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्लान होता है उसमें भी एज इट इज ही हम सेट करते हैं, एक प्लान बनाता है, ठीक है। आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो प्लान कैसे बनाते हैं, टीचिंग प्लान कैसे बनाते हैं। तो टीचिंग प्लान के लिए कुछ वर्नलेबल पीपल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या पेशेंट होते हैं जो लर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। उस दिन मैंने बताया कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो पेशेंट है या स्टूडेंट है, हर इंडिविजुअल जो है वो लर्न कर सकता है। कुछ लोगों का कॉग्निटिव जो है पैटर्न वो स्लो डाउन होता है, कुछ का बहुत शार्प होता है, कुछ बहुत जल्दी से लर्न कर लेते हैं और कुछ को थोड़ा ट्रायल देना पड़ता है, बार बार उसकी स्किल्स करवानी पड़ती है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। और कुछ इस तरह के हमारे पीपल्स होते हैं जो वर्नलेबल होते हैं, जो जैसे डिवेलपमेंट डिलेज, जिनका डिवेलपमेंट डिले होता है वो जाहिर है कि जैसे उनकी डिवेलपमेंट डिले होगी उनका कॉग्निटिव पैटर्न भी जो है वो डिले होगा, इसलिए उनको जल्दी समझ नहीं आएगी। क्रोनिक इलनेस के पेशेंट जो होते हैं हमारे, उनके पेशेंट कह लें या स्टूडेंट कह लें, उनको भी जल्दी समझ नहीं आएगी। लो लिटरेसी स्किल्स, जिनमें लो लिटरेसी स्किल होंगी वो भी जल्दी से लर्न नहीं कर पाएंगे। सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरनेस जिनकी होती है, इम्पेयरमेंट होती है, वो भी जो है नॉर्मली जाहिर है उनकी सेंसरी नर्व सिस्टम जो है वो ही नॉर्मल नहीं है, तो वो किस तरह से लर्न कर सकेंगे। डिवेलपमेंट टीचिंग लर्निंग प्लान, टीचिंग लर्निंग प्लान को डिवेलप करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव लर्निंग प्लान। मैं आपको आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ, इफेक्टिव लर्निंग प्लान, के लर्निंग प्लान किस तरह से करते हैं, एक प्लानर जो है टीचिंग प्लान किस तरह से बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको केयर प्लान बनाना सिखाया था इसी तरह से मैं आज आपको
टीचिंग प्लान बनाना सिखाना चाह रही हूँ कि हाउ टू मेक अ प्लान फॉर टीचिंग एंड हाउ टू टीच एंड हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ टू अवेलुएट द स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा जो टीचिंग लर्निंग चैप्टर चल रहा है, इसमें जो है टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या थी, टीचिंग एंड लर्निंग व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग, और टीचिंग प्लान व्हाट इज टीचिंग प्लान एंड लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को टीचिंग एंड लर्निंग बता दी थी, उनकी डेफिनेशंस और उनकी जो है लर्निंग के कुछ मैंने आपको बताया थे कि डोमेन्स क्या है लर्निंग के, और आज मैं आपको कुछ मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव लर्निंग और नॉन इफेक्टिव लर्निंग किस तरह से हो सकती है। और दूसरी चीज जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये टीचिंग प्लान है, स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव इफेक्टिव लेसन प्लान, लेसन प्लान कह लें या टीचिंग प्लान कह लें, ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग। सबसे पहले हमने क्या करना, जब भी हम किसी को टीच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को टीच करती हूँ, तो इसी तरह मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों ने वर्ड्स में जाके अपने क्लाइंट्स को किस तरह से टीच करना है। क्लाइंट को सिर्फ आप लोगों ने इंजेक्शन ही नहीं लगाने, वहाँ क्लाइंट्स एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो एजुकेशन आपने देनी है, हाउ यू टीच योर पेशेंट्स, हाउ यू टीच योर क्लाइंट्स, हाउ यू टीच योर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है लेसन है। अब इसमें जब भी हम, जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग लर्निंग पढ़ा रही हूँ, तो इसका मेरे पास एक प्लानर है, लेसन प्लान मैंने सेट किया हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जब भी कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता है, तो जिस तरह नर्सिंग केयर प्लान आप सेट करते हो तब आप पेशेंट की केयर करते हो, इसी तरह से जो है पूरे दिन में आपने क्या केयर करनी है और उसको कैसे मैनेज करना है, इसी तरह से हमने एक लेसन प्लान बनाया होता है, और वो लेसन प्लान में ईच एंड एवरीथिंग के हमने स्टूडेंट्स को टीच क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए हमने क्या करना होगा, और हमने अवेल्युएशन स्टूडेंट्स की कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग। मेरी स्लाइड पे जो पहला नंबर वन दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव है। पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने स्टूडेंट को पढ़ाना क्या है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के हमने कि क्या क्या एक्टिविटीज करानी है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप स्टडी करानी है, स्टूडेंट्स को हमने जो है स्लाइड पे पढ़ाना है, स्टूडेंट को हमने लेक्चर देना है, स्टूडेंट को हमने क्या कैसे कैसे एक्टिविटीज करानी ड्यूरिंग आवर लेक्चर। तो इस जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, लेक्चर देती हूँ, और लेक्चर के साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा रही होती हूँ, कभी मैं आप लोगों से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लेना सिखा रही होती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन कर रही होती हूँ, फिर री डेमोन्स्ट्रेशन कर रही होती हूँ, इसी तरह कभी मैं टेम्परेचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से टेम्परेचर लेना है, और किस तरह से री डेमोन्स्ट्रेट आपसे करवाती हूँ। इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजीज सेट की होती है टीचर्स ने, तो उसमें नंबर वन ऑब्जेक्टिव सेट करने जो पढ़ाने हैं, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने बताया कि मैं टीचिंग लर्निंग आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें हमारा सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव था कि हाउ व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग, हाउ टू टीच एंड लर्निंग डोमेन्स, हाउ मैनी लर्निंग डोमेन्स एंड लर्निंग लेसन क्या है, इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग क्या होगा, ये मैंने सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताया आके आपको, ठीक है। कंटेंट कह लें, जो हम कंटेंट आपको पढ़ा रहे होते हैं उसी को मॉडिफाई करके यही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ यूनिट, एट द एंड ऑफ लेक्चर, माई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टीच, माई स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ लेसन प्लान। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर इसके लिए साथ साथ स्ट्रेटेजीज टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ चेक करनी होती है कि स्टूडेंट जो है मैं पढ़ा रही हूँ वो अंडरस्टैंडिंग कर भी पा रहे हैं या नहीं। इसमें जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा मेरा आई का प्रॉब्लम है बच्चों, व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट टू लर्न,
मैंने सबसे पहले देखना कि स्टूडेंट को मुझे क्या करना चाहिए, कि स्टूडेंट को लर्न करवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। सेकंड पे जो है मेरा एरो इधर को आ रहा है, व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज विल आई यूज, कि जो पहले तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि मैंने पढ़ाना क्या है, उसके बाद जो है टीचिंग जो है वो एक्टिविटीज मैंने क्या करानी है स्टूडेंट्स को, समझ कैसे आएगी। उसके बाद हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद ये मैंने देखना कि जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग मैंने चेक करनी है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि नहीं। स्टेप वन जो मैं लेसन प्लान बनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ आपको, वो हमारा मेरा स्टेप वन उसमें है कि आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन दैट वट यू वॉन्ट स्टूडेंट टू लर्न एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ सेशन या एट द एंड ऑफ क्लास। जो हमारे लर्निंग होंगे वो हमने ऑब्जेक्टिव इस तरह से सेट करने हैं और देखना है कि हमारे एट द एंड ऑफ सेशन जो मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ स्टूडेंट उसको लर्न करने के काबिल हो जाएंगे कि नहीं। जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो एट द एंड जो है मुझे अपने ऑब्जेक्टिव में ये डालना है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन माय स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक अ लेसन प्लान। ठीक हो गया। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द लेसन, सबसे पहले तो हमने लेसन का टॉपिक सेंड करना है ऑब्जेक्टिव से भी पहले। ठीक है, कि आज का जैसे मेरा टीचिंग लर्निंग आज का है टॉपिक, टीचिंग लर्निंग है, उसके मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए है। टॉपिक सेट हो गया, व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट टू लर्न, फिर मैंने देखना है कि स्टूडेंट लर्न क्या करेंगे। व्हाट डू आई वांट देम टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ क्लास, फिर मैंने देखता हूँ कि स्टूडेंट कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, व्हाट डू आई वांट देम टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन प्लान। अब ये भी देखना होता है कि स्टूडेंट्स को इस लेसन प्लान देते हुए तो जो है टेक अवे कैसे करना है कि स्टूडेंट को जो स्टूडेंट्स अपने माइक बंद करें। जी, मेरा सेकंड जो है वो लेसन प्लान बनाने का सेकंड स्टेप जो है डिवेलप द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप लोगों ने जो टॉपिक है उसको चूज करना है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपने लर्निंग स्ट्रेटजीज देखनी है कि स्टूडेंट्स को मैंने किस तरह से लर्न कराना है, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है मैं स्ट्रेटजीज क्या बना रही हूँ, किस तरह से स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर जो है नाउ दैट यू हैव योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, डिजाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटीज यू विल यूज टू गेट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न। फिर आपने कोई एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी डालनी जिसके साथ स्टूडेंट जो है समझ सके। जिस तरह से हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो लेक्चर में अगर समझ नहीं आती तो कोई पिक्चर डाल के हम लेक्चर की स्लाइड में कोई पिक्चर डाल के उस पर डिस्क्राइब कर देते हैं या आप लोगों से कोई एक्टिविटी करवा देते हैं। इस तरह से कोई एक्टिविटी जो है वो आपने पहले से अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड करना पहले से सेट करके रखनी है। Develop a creative introduction to the topic to simulate interest and encourage thinking. आपने जब introduction topic का कराना है तो आपने student के लिए वो एक creativity इस तरह की environment या इस तरह की wording use करनी है कि student उसको students के लिए वो interesting लगे। ठीक है, जब आपने introduce कराना है अपने topic का students को, अपने clients को, तो आपने topic की इंट्रोडक्शन इस तरह से करानी है कि वो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे। यू कैन यूज अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस टू एंगेज स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल पर्सनल इन एंड एक्डोट, हाँ पर्सनल एंड एक्डोट, हिस्टोरिकल इवेंट, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स,
इसमें जो है जब स्टूडेंट्स को जैसे हम लोग आते हैं कोई एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को, या पर्सनल एनेक्डोट का मीनिंग है कि पर्सनल कोई बात बतानी है अपनी, पर्सनल कोई अपना इवेंट, पर्सनल अपनी कोई हिस्ट्री छोटी सी जो है आपने स्टूडेंट्स को बतानी, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को वो इंटरेस्टिंग लगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई कोई ना कोई शेयर कर लेना स्टूडेंट्स के साथ, रियल वर्ड कोई एग्जाम्पल दे देनी, रियल वर्ड जिस तरह से आजकल कोरोना की एग्जाम्पल मैंने अपने लास्ट काफी सारे लेक्चर्स में वही एग्जाम्पल जो है रियल वर्ड एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, स्टूडेंट को बिजी रखने के लिए, जहां भी हम अपने लेक्चर में स्टार्ट में हमने जब इंट्रोड्यूस कराना अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को, तो स्टूडेंट को वो टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग लगे, इस तरह से आप स्टार्ट लेना। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एन एक्डोट, ठीक है, तो इसमें जो है पर्सनल जो है एनेक्डोट शेयर करनी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स बताने हैं, रियल जो है वर्ड एग्जाम्पल कोई ना कोई दे देती है, रिलेटिव जो रियल एग्जाम्पल हमने देनी है या हिस्टोरिकल इवेंट्स बताने हैं या अपनी कोई पर्सनल जो है एनेक्डोट देनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक, रिलेट टू दैट टॉपिक, ठीक है, वो अपने पास से जहां से मर्जी उठाएं और जहां मर्जी रिलेट कर दें, ऐसा नहीं होगा, उस टॉपिक के साथ रिलेट करती हुई कोई भी इवेंट, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी आप अपनी पर्सनल जो है एनेक्डोट दे सकते हो। फिर क्या है, फिर शॉर्ट वीडियो क्लिप भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोबिंग क्वेश्चन भी कोई आप प्रोब क्वेश्चन भी कर सकते हो स्टूडेंट को, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल भी करवा सकते हो शॉर्ट सा। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन प्लानिंग योर इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो करनी जा रही हैं, ये जब आपने लेसन प्लान बनाना उसमें पहले से ही वो चीजें जो है आप लोगों ने अपने प्लानर में डाल दी। हाउ विल आई चेक वेदर स्टूडेंट्स नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक और हैव एनी प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट इट, आपने ये भी देखना कि हाउ विल चेक वेदर स्टूडेंट्स नो एनी अबाउट द टॉपिक, स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में कुछ जानते हैं, और हैव एनी प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट इट, नोशंस मीन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के लिए आती है कि नहीं, जिस तरह से हम आपके स्टूडेंट्स को क्लास में पूछते हैं आते ही कि स्टूडेंट्स व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग डिफाइन, लर्निंग डिफाइन टीचिंग, तो इसमें आप लोगों को जो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये इस तरह से हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है चीजें आते क्लासरूम में करते हैं। ये जो है एक तो इसमें चेक करना होता है कि प्री नॉलेज स्टूडेंट के पास कितना है इस टॉपिक के बारे में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट आर सम कॉमनली हेल्ड आइडियाज और पॉसिबली मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस टॉपिक दैट स्टूडेंट माइट बी फेमिलियर विद और माइट बी एस्पाउस, अब इस टॉपिक के लिए जो है सम कॉमन आइडियाज स्टूडेंट्स को देने होते हैं और कुछ जो है एस्पाउस जो है सपोर्टेड चीजें स्टूडेंट को हिंट्स देने होते हैं जो फेमिलियर या रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट को जब हम उस टॉपिक से जो है आइडियाज देंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स की कि बेटा आप बताएं, जो अगर आपने गलत भी बताया मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें स्टूडेंट जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और स्टूडेंट को पता होता है कि टीचर मेरे साथ है और अगर मैंने गलत भी बता दिया तो टीचर मेरी सपोर्ट करेगा। व्हाट विल डू आई टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक में हमने क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, मैं मेरी स्लाइड में नंबर वन स्टेप जो था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हमने टॉपिक सेलेक्ट कैसा करना है और उस टॉपिक में जो है स्ट्रेटजीज क्या बतानी है और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। सेकंड स्टेप में मैंने जो चीज़ बताई है वो बताया कि जब हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है स्टूडेंट्स को तो हमें उसको कलरफुल सा करके बनाना, इंटरेस्टिंग सा करके स्टूडेंट्स को बताना ताकि स्टूडेंट जो है लर्निंग के लिए तैयार हो, और उसमें हमने कुछ अपने इवेंट्स, कुछ जो है हिस्टोरिकल जो है इवेंट्स, कुछ अपने पर्सनल इवेंट्स, कुछ जो है
जो है नेशनल लेवल पे एग्जाम्पल्स जो है वो उस टॉपिक के रिलेटेड स्टूडेंट को बतानी होती हैं, और स्टूडेंट से का नॉलेज अंडरस्टैंड करने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि बेटा आपको, जैसे मैं आज का टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ कि व्हाट इज टीचिंग एंड व्हाट इज लर्निंग एंड हाउ मेनी डोमेन्स फॉर लर्निंग। तो इस तरह से टीचर जब क्वेश्चन करता है तो स्टूडेंट को अगर आता है तो टीचर को पता चल जाता है कि इनके पास जो है प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट के पास इस टॉपिक से रिलेटेड कितना है। अगर नहीं तो स्टूडेंट हमारे हेजिटेट करते बता नहीं रहे होते, तो स्टूडेंट को कुछ आइडियाज, कुछ कमेंट्स देने होते हैं रिलेटेड दैट टॉपिक, और सपोर्ट्स करनी होती है, सपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की सपोर्ट करनी होती है कि अगर वो गलत भी बताएं तो उनको बताना व्हाट विल आई डू टू इंट्रोड्यूस टॉपिक। तो उस ये जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें सारी इंट्रोड्यूस, इसमें व्हाट विल आई डू टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो जो कुछ भी हमने करना वो हमने अपने लेक्चर के प्लानर में बिफोर टाइम जो है वो लिखना है, जब लेक्चर प्लान बनाया ना बनाना है तो उसमें पहले राइट करना उसको। नंबर थ्री पे जो था प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज द मेन बॉडी ऑफ द लेसन। अभी तक तो हमने जितना पढ़ाया बताया मैंने आपको दो स्टेप बताए, दोनों स्टेप्स में मैंने बताया था सिर्फ के टॉपिक को कैसे चूज करना और उसका इंट्रोड्यूस कैसे करना और स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग लेवल पे कैसे लेके आना। थ्री हमारा जो है ये मेन बॉडी है, इसमें प्रिपेयर सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ द एक्सप्लेनिंग ऑफ द मेटीरियल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, विजुअल एक्स्ट्रा। इसमें जो है लार्ज मटेरियल ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, जैसे हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हम किसी चीज़ की टाइप बताने जा रहे हैं, वो चीज़ें होंगी जो मेन मेन चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को बता देनी होगी, टू कैच द अटेंशन ऑफ मोर स्टूडेंट एंड अपील टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो इसमें हमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है वो यूज़ करने होंगे। अब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या होंगे जब हमने किसी को टीज करना है। एज यू प्लान योर एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज, एस्टिमेट हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड ऑन ईच। आपने जो एक्टिविटीज करानी है वो इसमें ऐड करनी है, आपने ये देखना है कि हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड ऑन ईच। जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, अगर हमारे थ्री ऑब्जेक्टिव, तीन चीज़ें ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स, अगर हम थ्री कंटेंट्स, फोर कंटेंट्स, फाइव कंटेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमने सबसे पहले तो ये देखना कि हमारे पास टाइम कितना, टोटल टाइम कितना है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टीचिंग का टाइम है लेसन का वो 45 मिनट होता है, ठीक है, लेकिन हम जो है 1 आवर भी इसमें सेट कर लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टीट्यूशन, नीड ऑफ द आवर इंस्टीट्यूशन, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम, या अकॉर्डिंग टू जो है इंटरेस्ट ऑफ द टीचिंग, या अवेलेबल ऑफ टाइम फॉर द टीचिंग, उसके अकॉर्डिंगली अपना टीचिंग प्लान जो है वो सेट करते हैं। जिस तरह आजकल हमारे जो है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली 2 आवर्स का लेक्चर लेते हैं, जबकि 2 आवर्स का लेक्चर कहीं भी नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे 45 मिनट का लेक्चर होता है। तो आजकल हमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम 2 आवर्स का भी लेक्चर ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले टाइम सेट करना है, फॉर एग्जांपल के जैसे डेफिनेशन मैंने पढ़ाई तो डेफिनेशन पे मैंने कितने मिनट देने हैं, डेफिनेशन के बाद मैंने अगर कोई टाइप्स किसी चीज की पढ़ाई है तो उस टाइप्स कितनी हो मैनी टाइप्स और उनको टाइम कितना स्पेंड करना है मैंने। उसके बाद अगर मैंने कोई डिस्कशन करनी है तो उस डिस्कशन में मैंने कितना टाइम करना, अगर मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो उस एक्सप्लेन में मैंने कितना टाइम स्पेंड करना। इस तरह से अगर मेरा टाइम 1 आवर है तो उस 1 आवर को मैंने अपने उस प्लानर में जो है लेके आना, सेट करना है कि एक ऑब्जेक्टिव मेरा 5 मिनट का होगा, दूसरा 10 मिनट का होगा, तीसरा 5 मिनट का, जितने टाइम पे मैं अपना वो कंटेंट जो है
कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमने उतना टाइम उसको देना, ठीक है। उसमें मेजर हमारी एक्सप्लेनेशन भी होंगी, हमारी डिस्कशन भी होंगी, हमारी डेफिनेशंस भी होंगी, हमारी टाइप्स भी होंगी, जो हम टॉपिक जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं, बट ऑल्सो बी प्रिपेयर टू मूव ऑन क्विकली टू डिफरेंट एप्लीकेशन और प्रॉब्लम एंड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजीज दैट चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो भी हम टाइम सेट कर रहे हैं और जो हमने स्ट्रेटेजीज सेट की है, कि स्ट्रेटेजीज मीन के हमने स्टूडेंट्स को पहले भी मैंने बताया कि जो हमने लर्निंग स्ट्रेटेजीज बनाई है, कि मैंने स्टूडेंट्स को स्लाइड दिखानी है, मैंने स्टूडेंट्स को पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर दी है, मैंने स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रेजेंट करना है, या मैंने स्टूडेंट्स को कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखानी है। जितने मेरे ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो अलग अलग डाल ली है, कि इसमें जो है मैं स्लाइड पे जो है स्टूडेंट को बता दूंगी, इस पे मैं लेक्चर प्रेजेंट करूंगी, इस पे मैं कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी स्टूडेंट को, तो समझ आ जानी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह मैंने आपको टेम्परेचर लेके दिखाया तो आपको समझ आई, जबकि मैंने टेम्परेचर का पूरा लेक्चर 2 दिन लगा के आपको पढ़ाया था तो आप जो है आपको टेम्परेचर लेना नहीं आया था। इसी तरह से मैंने जब आप लोगों को वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर का पढ़ाया था तो ब्लड प्रेशर पूरा पहले मैंने 2 दिन लगा के पढ़ाया था, तो उसके बाद ब्लड प्रेशर लेना सिखाया था। मुझे पता था कि मेरे स्टूडेंट को जब तक मैं अपनी स्ट्रेटेजीज में डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं दिखाऊंगी तो हाउ कैन दे विल री डेमोन्स्ट्रेट टू मी, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने अपने लिए सेट करने हैं, व्हाट विल आई डू टू इलुस्ट्रेट दैट टॉपिक इन अ डिफरेंट वे। हमने ये देखना कि डिफरेंट वे में जो है, इलुस्ट्रेट का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो है कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इलुस्ट्रेट मीन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। किसी चीज को अगर मैंने बताया है 2 चीजों को, तो उनको क्या डिफ्रेंशिएट करना स्टूडेंट को कैसे आएगा, या स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना कैसे आएगा, वो मैंने पहले से ही इस क्वेश्चन को अपने लिए जो है अपने आप से ये क्वेश्चन करना, ठीक है। दूसरी चीज, हाउ कैन आई इंगेज स्टूडेंट इन द टॉपिक। स्टूडेंट्स को टॉपिक में इंगेज करना, किस तरह से हमने टॉपिक में इंगेज करना होता है, जो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टीचर्स, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट के 50 माइंड होते हैं स्टूडेंट को माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो जो टीचर होता है उसके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, व्हाट आर सम रेलिवेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स एनालॉग्स, जो मैंने पहले भी बताया कि एनालॉग्स जो है वो कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड एनी अदर्स। ये चीजें हमने रेलिवेंट एग्जाम्पल और कुछ कंपेरिजन चीजें उनको बतानी है, एनालॉग्स और सिचुएशन दैट कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि स्टूडेंट जो है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। वट विल स्टूडेंट्स नीड टू डू टू हेल्प दैम अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। क्या करना है कि बेटर से बेटर जो है वो स्टूडेंट हमारे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। वट विल डू टू एक्सप्लेन द टॉपिक। टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेसन प्लान बनाना है, साथ में हमने स्लाइड्स बनानी है, और साथ में हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी कराना है, साथ में हमने कुछ पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी करनी है। स्लाइड्स, अगर हम स्लाइड पे पूरा मटेरियल तो नहीं होता, स्लाइड पे हम कुछ ऐसी जो है पिक्चर भी डालते हैं उसके रेलिवेंट, ताकि स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग लगे और उससे पिक्चर डिस्क्रिप्शन करके बता देते हैं। नंबर 4 पे प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब सारा कुछ हमने किया, हमने अपने लेसन प्लान बनाया, हमने टाइम सेट किया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, हमने स्टूडेंट को टॉपिक जो था वो इंटरेस्टिंग करके बना दिया, हमने जो है एक जो प्लानिंग बनाया, स्ट्रेटजीज बनाई। अब हमने स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेक करना। यू नीड टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। हाउ विल यू नो द स्टूडेंट आर लर्निंग। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है लर्निंग कर रहे हैं कि नहीं, उनको समझ में आ रहा कि नहीं। व्हाट क्वेश्चन विल आई आस्क स्टूडेंट टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने पहले ही सी से ही अपने प्लानर में डाल के रखना है कि मैंने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। जब क्वेश्चनिंग करूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी कि स्टूडेंट जो है, जो मैं लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो
तो स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उस वो मुझे बता रहे हैं। मैं कुछ जो चीजें जैसे मैंने डेफिनेशन बताई तो मैं आप लोगों से डेफिनेशन सुनूंगी किसी भी स्टूडेंट से। जैसे मैंने कुछ चीज की टाइप बताई तो मैं टाइप्स पूछूंगी। मैं आप लोगों की फिजिकली आप लोगों को चेक करूंगी, आप लोगों को आई कॉन्टेक्ट चेक करूंगी, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेक करूंगी, जिससे क्या अंदाजा होगा कि यू विल बी लर्न और नॉट। व्हाट विल हैव स्टूडेंट टू डू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट आर दैट दे आर फॉलिंग। कुछ चीजें जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है, हमें पहले ही कीप इन माइंड के स्टूडेंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जब तक ये जो है मेरा, जैसे मैंने आपको लर्निंग डोमेन में सबसे पहले कोग्नेटिव डोमेन बताया था, उसके बाद मैंने साइकोमोटर डोमेन बताया था। साइकोमोटर डोमेन मीन के सम एक्टिविटीज जो है वो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी स्टूडेंट को, तो वो पहले से ही प्लान में डेमोन्स्ट्रेशन का बना के रखना। तो जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, फौरन से हमने स्टूडेंट से कहना कि डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्टिविटीज जो हमने खुद से की। उससे अंदाजा हो जाएगा कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। गोइंग बैक टू माई लिस्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वट एक्टिविटी कैन आई हैव स्टूडेंट डू टू चेक वेदर ईच ऑफ दोज हैज बीन अकम्प्लिश्ड। अब अकम्प्लिश्ड, जैसे ही हमारा लेक्चर जो है अकम्प्लिश्ड होगा, उसके बाद जो है हमने अपने टोटल ऑब्जेक्टिव देखने हैं, और उस उन ऑब्जेक्टिव में से हम कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। जो पूछनी होगी उसको पहले ही हमने माइंड सेट किया होगा, अपने प्लान में लिखा होगा कि ये चीज़ मैंने स्टूडेंट से डेमोन्स्ट्रेट करनी है, ये मैंने स्टूडेंट को जो है प्रेजेंट करनी है, और री डेमोन्स्ट्रेट और री जो है प्रेजेंट जो है स्टूडेंट मुझे क्या क्या करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू विद टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज टू एंटीसिपेट स्टूडेंट क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ाना है वो उस टाइम में मैनेज करना है कि हमने इतना आज पढ़ाना है और इतना मेरा टॉपिक है और ये मैंने पढ़ा के जाना, जिसमें जो है एंटीसिपेट स्टूडेंट क्वेश्चन, जिसमें हम स्टूडेंट के क्वेश्चन को भी क्लियर करते हैं। When planning your lesson, decide what kind of question will be productive for discussion. फिर हमने discussion के लिए कुछ question जो है उसका time भी रखा होता है। यहाँ पे इस lecture plan में ये बताया है कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें student क्या understand करेगा, हमने उसको check कैसे करना, और क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया उसको रीडेमोन्स्ट्रेट कैसे करना, जो हमने प्रेजेंट किया किया उसको रिप्रेजेंट स्टूडेंट क्या करेंगे, वो हमने अपनी पूरी लिस्ट जो कंप्लीट की है उस लिस्ट को ऑब्जेक्टिव में से कुछ भी हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, और कुछ टाइम जो है वो एंटीसिपेट स्टूडेंट की के साथ डिस्कशन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कुछ टाइम जो है स्टूडेंट के लिए रखेंगे। व्हेन प्लानिंग योर लेसन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी प्रोडक्टिव फॉर डिस्कशन, तो आपने प्लानर में पहले से ये सोच के रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जो अराइज कर सकते हैं, और कुछ किस टाइप के क्वेश्चन जो है टीचर कर सकता है, और कैसी डिस्कशन होगी जिसको जिसमें स्टूडेंट्स को मोर क्लियर हो जाएगा। इन इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड, इस चीज का श्योर होना चाहिए कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो गया कि नहीं। डिवेल्प अ कंक्लूजन एंड रिव्यू, डिवेल्प अ कंक्लूजन एंड अ प्रीव्यू। अब कंक्लूजन, हमने जितना भी लेसन प्लान अपना बनाया, जितना भी लेक्चर बनाया, जितनी भी हमने उसका एंड किया, उसमें कंक्लूजन हमने देखना कि क्या होगा। गो ओवर द मटेरियल कवर्ड इन क्लास बाय समराइजिंग the main points of the lesson. इस conclusion में हमने main जो point है उसको summarize करना है, main point जो है उनको summarize करना है। Conclude the lesson not only be summarizing the main point but also be previewing the next lesson. जब हम हमने summarize करना, तो सिर्फ हमने summarize करके नहीं छोड़ देना, उसके साथ हमने नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट डे पढ़ाना है उसको रिलेट करना। जैसे मैंने आपको टीचिंग लर्निंग पढ़ाया था, तो मैंने
जो है एंड पे बताया था कि बेटा ये जो लेक्चर है हमारा ये कंटिन्यू यही लेक्चर चलेगा। और दूसरे दिन आज आके जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाना शुरू किया तो मैंने अपने इसी लेक्चर को पहले रिकनेक्ट किया कि बेटा हमने लेक्चर क्या पढ़ा था, मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था, उस लेक्चर को नेक्स्ट हम आगे कैसे लेके चलेंगे। जब भी हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है या लेक्चर का एंड करना है तो हम जो है लेक्चर लेना है उसको रिकनेक्ट करते हैं, या जो लेक्चर दिया होता है जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसको रिकनेक्ट करते हैं कि हमने पढ़ाया क्या है और नेक्स्ट क्या पढ़ाना है। समराइजिंग के साथ ही हम वो बता देते हैं हाउ डज द टॉपिक रिलेट टू द वन दैट्स कमिंग, जो कमिंग लेक्चर है उसको उसके साथ रिलेट करना समराइजिंग के साथ कि ये चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं और कल जो है वो हमने नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना है। दिस प्रीव्यू विल इंकरेज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड हेल्प देम कनेक्ट द डिफरेंट आइडियाज विद इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को जा रहे हैं तो इस तरह से जब हम स्टूडेंट को इंटरलिंक रखेंगे कि हमने कितना पढ़ाया और नेक्स्ट क्या पढ़ाना है तो स्टूडेंट की जो है इंटरेस्टिंग भी बिल्ड डिवेल्प होगी और दूसरी चीज़ है कि स्टूडेंट को उस कॉन्टेक्ट का पता रहेगा कि हमने ये पढ़ाया और ये बकाया पढ़ने वाला रहता है हमारा। नेक्स्ट है क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। अब टाइमलाइन जिस तरह मैंने साथ साथ आप लोगों को बताया कि हमने टाइम जो है इस जो है मेरी स्लाइड इसमें भी टाइम को फोकस किया गया है। नो हाउ इजी इट इज टू रन आउट ऑफ टाइम एंड दी कवर ऑल दी मैनी पॉइंट्स दे हैड प्लान टू कवर। अ लिस्ट ऑफ 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट रियलिस्टिक सो नैरो डाउन योर लिस्ट टू दी 2 or 3 की कॉन्सेप्ट्स आइडियाज और स्किल्स यू वॉन्ट स्टूडेंट टू लर्न। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज प्रायोरिटी की लिस्ट बनानी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की लिस्ट। अच्छा, इसमें ये बताया है कि हमने अपने टाइम लाइन को टाइम को मैनेज करना है। हमने 10 ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करने अगर हम नहीं उस टाइम में पढ़ा सकते। हमने 2, 3 or 4 जो है ऑब्जेक्टिव अपने सेट करने ताकि आप उस टाइम में जितना स्टूडेंट के लिए आपके लेसन प्लान का टाइम है उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली आप उस टाइम को मैनेज कर सकें। बताया है कि एक इतनी लंबी लिस्ट तैयार नहीं कर लेनी अपने ऑब्जेक्टिव्स की कि 10 ऑब्जेक्टिव हो जाए। आपने ऑब्जेक्टिव उतने ही सेट करने, 3 की रख ले, 3 की पॉइंट्स रख ले या 4 रख ले या 2 रख ले। उसमें स्किल्स जो है आपने डेमोस्ट्रेट क्या करना है या स्किल्स क्या करवानी है वो उतनी 1 या 2 रखें कि आप उतने टाइम पीरियड में उसको कवर कर सकते हो। हेयर आर सम स्ट्रेटेजीज फॉर क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। टाइम को रियल बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज है और देखते हैं कि वो स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं। एस्टिमेट हाउ मच टाइम ईच ऑफ एक्टिविटी विल टेक देन प्लान सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर ईच। जब हमने लेसन प्लान बनाना है अपना लेक्चर प्लान बनाना है तो उसमें हमने सारी एक्टिविटीज देखनी है और उनका टाइम देखना है कि हमारे पास जो है एक्टिविटीज करवाने जा रहे हैं जो हम उसकी लेंथ क्या है, हमारे पास मटेरियल कितना है और हमारे पास टाइम कितना है। उस टाइम से हमने एस्टीमेट लगा के कुछ एक्स्ट्रा टाइम फॉर ईच सबके लिए कुछ हमने एक्स्ट्रा टाइम देना। अगर हम 5 मिनट 1 जो है अपनी एक्टिविटी के लिए रखते हैं तो हमने 2 or 3 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा देने हैं उसको ताकि हमारा टाइम मैनेज हो, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को जो है हमें रीडेमोस्ट्रेट भी करवाना पड़ता है, री जो है लेक्चर जो है वो प्रेजेंट भी करना पड़ता है कुछ पॉइंट्स, या फिर कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट के हैं वो भी कवर अप करने होते हैं। इसलिए कुछ टाइम जो है हमने हर एक्टिविटी हर ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। व्हेन यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान नेक्स्ट टू ईच एक्टिविटी इंडिकेट हाउ मच टाइम यू एक्सपेक्ट इट विल टेक। जब हमने नेक्स्ट जो है एक्टिविटी करवानी तो हमने देखना कि हमारे पास हाउ मच टाइम कितना बकाया टाइम है। मैं आपसे बार बार पूछ रही होती ना बेटा क्यों ना टाइम कितना रह गया, उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो है टीचर चल रहा होता है।
फिर क्या है, जो बकाया एक्टिविटी करवानी है उस टाइम के अकॉर्डिंगली करवानी है। सम टाइम जो है एक्टिविटीज ज्यादा रह जाती हैं और हमारे पास टाइम कम है, टाइम को मैनेज करने के लिए स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर इररेलेवेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर हमारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि वो उनको हैबिट भी होती है कि समझ आ भी जाए तो ऐसे क्वेश्चन जिसको 10 बार भी स्टूडेंट टीचर ने बताया है उसको दोबारा क्वेश्चनिंग करनी, तो वो क्या करता है टीचर का टाइम वेस्ट करता है उस लेक्चर को जिसको टीचर ने मैनेज करना होता है। तो फिर अगर टाइम पीछे कम रह जाए और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव बकाया है तो टीचर उसको रेस लगवाता है, ठीक है, फटाफट उसको कवर अप करने की कोशिश करता है। उस पर फिर टीचर ये भी कह देता है स्टूडेंट से कि इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं करें, मुझे अपना टॉपिक जो है वो कवर अप करना है। प्लान एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी और डिस्कशन क्वेश्चन इन केस यू हैव टाइम लेफ्ट। अगर आपके पास टाइम बच गया है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप अपना लेक्चर प्रेजेंट कर चुके हो, तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी या री डेमोन्स्ट्रेशन या फिर डिस्कशन कुछ कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में। बी फ्लेक्सिबल, बी रेडी टू एडजस्ट योर लेसन प्लान टू स्टूडेंट नीड्स। जब भी आपने स्टूडेंट को लेक्चर देना है, प्लान बनाना है, तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो। जिस तरह हम लोग लेक्चर दे रहे होते हैं तो हम बहुत से टीचर जो है इसी तरह फ्लेक्सिबल होते हैं, स्टूडेंट ने जबकि जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे है कि एट द एंड ऑफ सेशन जो है स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे मुंह में अभी पूरा जो है सेंटेंस हमने प्रेजेंट नहीं किया होता और स्टूडेंट की इतनी लंबी लंबी बाजू खड़ी होती है क्वेश्चन करने के लिए, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे होते कि हम पूरा लेक्चर सुनेंगे तो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका आंसर इसके अंदर से मिल जाना है। तो इस तरह से हमें टीचर्स को भी बी फ्लेक्सिबल जो है, बी ऑनेस्ट स्टूडेंट के साथ होना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट की तो ये हैबिट है, मे भी उनको समझ आई है, मे भी उनकी हैबिट है, तो टीचर उसके लिए रेडी रहेगा एडजस्ट करने के लिए उस अपने लेसन प्लान में। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन या कुछ जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन या इररेलेवेंट क्वेश्चन या सम स्टूडेंट जो है उनको अंडरस्टैंड नहीं जल्दी कर रहे, तो उसके लिए टीचर जो है एडजस्ट करता है टाइम को, मैनेज करता है टाइम को और फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। प्रेजेंटिंग द लेसन प्लान, फिर सब सारा कुछ जब हो जाता है तो लेसन प्लान को प्रेजेंट कर देना। लेसन प्लान को लेटिंग योर स्टूडेंट्स नो व्हाट दे विल बी लर्निंग एंड डूइंग इन क्लास विल बी हेल्प कीप देम मोर इंगेज एंड ऑन द ट्रैक। स्टूडेंट्स को देखना, जब हमने लेक्चर प्रेजेंट करना, पहले तो सारी चीजें मैंने बनाने की बताई ना कि हमने लेक्चर कैसे बनाना, उसको जो है इंटरेस्टिंग कैसे करना, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कैसे करना, स्टूडेंट उसके डोमेन्स कितने होने चाहिए, हमारे प्लान में हर डोमेन्स जो है वो होना चाहिए, कॉग्निटिव डोमेन्स उसमें शामिल होना चाहिए, उसमें साइकोमोटर डोमेन्स शामिल होना चाहिए, उसमें इफेक्टिव डोमेन्स शामिल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट डोमेन जो है स्टूडेंट को लर्न करवाना है और उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी और उस टाइम को मैनेज करना, स्टूडेंट के लिए कलरफुल लेक्चर एंड जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाना डिफरेंट स्ट्रेटजीज से। अब हम प्रेजेंट करना स्टार्ट हो गए हैं, जब प्रेजेंट करना स्टार्ट हो गए शेयर योर लेसन प्लान, तो स्टूडेंट को एंगेज रखना, हमने स्टूडेंट्स को क्या करना है एंगेज रखना है, ताकि कोई क्लास में सो ना रहा हो, क्लास में मोबाइल फोन यूज ना कर रहा हो और क्लास में जो है एक दूसरे के साथ बातें ना कर रहा हो। शेयर योर लेसन प्लान, अपना लेसन प्लान स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। गिव ऑन हैंड्स आउट टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द क्लास, स्टूडेंट को हैंड्स आउट भी देने और लर्निंग ऑब्जेक्टिव आते ही स्टूडेंट को बता देने कि ये जब लेक्चर स्टार्ट करना ये मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एट द एंड ऑफ माय सेशन ये ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने लेक्चर ऑर्गेनाइज करना है वो मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजिंग हो, उसके मीनिंग अच्छे हों, उसकी जो है पिक्चर जो रिलेट कर रही है, उसकी एग्जाम्पल रिलेट कर रही है, वो सारी जो है वो अच्छी हूँ, वो जो है स्टूडेंट के लिए जो है इंटरेस्टिंग हो, बॉडी लैंग्वेज क्लियर हो,
जो बॉडी लैंग्वेज और वॉइस और टोन जो है वो स्टूडेंट के लिए अच्छी हो. स्टूडेंट नॉट ओनली रिमेंबर बेटर बट ऑल्सो फॉलो योर प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड इन क्लास एक्टिविटीज. तो उस स्टूडेंट जो है वो सिर्फ लेक्चर से ही नहीं चीज़ों को समझ सकता, बेटर रिमेंबर कर सकता, बट ऑल्सो फॉलो योर प्रेजेंटेशन. वो आपकी प्रेजेंटेशन को भी फॉलो कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एंड अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं रैशनल बिहाइंड इन क्लास एक्टिविटीज. वो क्लास के बाद वो उन एक्टिविटीज को करके भी एक दूसरे के साथ देख रहे होते हैं कि टीचर ने इस तरह से पढ़ाया. हैविंग, जिस तरह मैंने इफेक्टिव डोमेन बताया था, इफेक्टिव डोमेन में वो स्टूडेंट के डोमेन में आता है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर जब लेक्चर प्रेजेंट कर रहा होता है या टीचर जब लेक्चर प्रेजेंट कर रहा होता है तो उस वक्त जो है स्टूडेंट प्रेजेंटेशन टीचर की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं रैशनल बिहाइंड इन क्लास एक्टिविटीज. वो क्लास के बाद जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसमें वो अपने इफेक्टिव डोमेन्स शो कर रहे होते हैं. हैविंग अ क्लियरली विजिबल एजेंडा, फॉर एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड, जो एजेंडा है हम बताने जा रहे हैं, जो लेसन है वो क्लियरली बोर्ड के ऊपर होना चाहिए. बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड हो, बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड हम यूज कर रहे हो, बोर्ड के ऊपर स्लाइड यूज कर रहे हो, जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजीज या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, विल ऑल्सो हेल्प यू एंड स्टूडेंट स्टे ऑन ट्रैक. तो इस तरह से स्टूडेंट जो है उनका फोकस जो है वो बोर्ड पे होगा, वो टीचर को ज्यादा तंग नहीं करेंगे और वो बोर्ड की तरफ देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स आर यू विद मी रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लेसन प्लान? जी, फिर अपने लेसन प्लान जो है उसको रिफ्लेक्ट करना है. रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लेसन प्लान, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स टेक अ फ्यू मिनट आफ्टर ईच क्लास टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वर्क वेल एंड व्हाई एंड व्हाट यू कुड हैव डन डिफरेंटली. जो एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं वो फौरन से स्टूडेंट को जज कर लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग जो है उनसे रिफ्लेक्ट करवाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा. जैसे कोई डेफिनेशन सुन ली, कोई री डेमोस्ट्रेशन कर लिया, स्टूडेंट की फेस रीडिंग कर ली, स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज देख ली, स्टूडेंट की टोन ऑफ वॉइस देख ली, ये टीचर ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस टीचर्स को फौरन पता चल जाता है कि स्टूडेंट के इफेक्टिव डोमेन्स क्या है. वो डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स को अवेलुएट कर रहा होता है. आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल एंड लेस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास टाइम एंड एक्टिविटीज वुड मेक इट इजियर टू एडजस्ट टू दी कंटीजेंसीज ऑफ द क्लासरूम. मुख्तलिफ कंटीजेंसीज, मुख्तलिफ तरीकों से क्लासरूम में हम उसको इजी बना देते हैं स्टूडेंट की एक्टिविटी करवा के. कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड नहीं होती, जब हम री डेमोस्ट्रेट करते हैं या हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं या दो तीन स्टूडेंट से सुनते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होता उनको भी समझ में आ जाता है. हम डिस्कशन मेथड में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, ठीक है. जब डिस्कशन मेथड हो रहा होता है तो जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होता वो स्टूडेंट से सुन के उनको मोर क्लियर हो जाता है, ठीक है. स्टूडेंट फीडबैक, पीयर ऑब्जर्वेशन, व्यूइंग अ वीडियो टेप ऑफ योर टीचिंग एंड कंसल्टेशन विद अ स्टाफ मेंबर्स. अब स्टूडेंट की जो अवेलुएशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वीडियो टेप भी कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट से फीडबैक भी लेते हैं. स्टूडेंट आपको समझ आई है कि नहीं, क्लास क्या कह रही है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो मैं री डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, मैं क्लास में जो है ग्रुप डिस्कशन करवा दूंगा, क्लास की टोटल क्लास की डिस्कशन करवा देंगे. इस तरह से प्योर ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, स्टूडेंट की फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है. अब कुछ वीडियो टैप भी होती हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से स्टूडेंट का हम अवेल्युएशन कर सकते हैं. कंक्लूजन, इसमें योर टीचर टीचिंग गोल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड मीन टू अकम्प्लिश देम. इट इज अ रिमाइंडर फॉर व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू इट. अपने क्या कंक्लूजन में क्या करना है,
रिमाइंडर है, इट इज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाह रहे हैं एंड हाउ यू वांट टू डू इट, और इसको कैसे करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। ये कंक्लूजन हमारे जो है लेक्चर का, हमारे लेसन प्लान का कंक्लूजन होता है, कि सारा लेक्चर प्लान लेसन प्लान बना के तो हमने एंड पे कंक्लूजन निकाला कि ये सारा कुछ जो हमने किया या करने जा रहे हैं, इसको हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करना है। ये जो चीजें हैं, आप प्रोडक्टिव लेसन इज नॉट वन इन विच एवरीथिंग गोज एग्जैक्टली एज प्लान, बट वन इन विच बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसमें जो है वो स्टूडेंट से भी टीचर्स बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, और स्टूडेंट ने तो लर्नर, स्टूडेंट तो लर्नर है ना, और हम अपने प्लानर में डिफरेंट चीज़ें जो है वो चेंज भी करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू जो इंटरेस्टिंग आवर स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग आवर द स्टूडेंट। और कुछ चीज़ें जो है हमें भी समझ आ रही होती हैं कि स्टूडेंट जो है अगर हमें अंडरस्टैंड नहीं किया तो हमें नेक्स्ट में क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी होगी जो हमारा स्टूडेंट मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेगा। जी बेटा, जितना मैंने एक घंटा बोला है अपने लेक्चर को, वो एक घंटा बोलने का जो लेसन प्लान बनाना है, वो लेसन प्लान ये आपके सामने बना हुआ है। अब जितने मैंने स्टेप आपको 5, 6, 7 स्टेप बताए हैं, उस स्टेप का कंक्लूजन जो कह लें, समराइज कह लें, ये मैंने आपके सामने लेसन प्लान बना के रख दिया। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई उसमें सबसे पहले लेसन प्लान हमने इस तरह से बनाना होता है। सब टीचर्स के पास जितने भी आपको टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, सबके लेसन प्लान बने हुए हैं। हर टॉपिक का जो टीचर पढ़ाने आता है, सब्जेक्ट टीचर, और हर सब्जेक्ट के पास टीचर के पास हर हर टॉपिक के लेसन प्लान बने होते हैं। वो लेसन प्लान इस तरह से बनते हैं। सबसे पहले क्या है लेसन प्लान का, हमने बनाना, हेडिंग देनी कि ये है क्या लेसन प्लान है, देखते ही समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है, लेसन प्लान है, ठीक है। उसके बाद क्लास हमारी क्या है, हमारी क्लास फॉर एग्जाम्पल BSC प्रूफ 1 है या प्रूफ 2 है, ठीक है। अब प्रूफ 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो मैंने लेसन प्लान उठाया ये प्रूफ 2 का था। अब इसमें जो हमारे सबसे पहले, इसमें जो सब्जेक्ट हमने चूज करना सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट का नेम लिख देना, फिर टॉपिक का नेम लिख देना, जैसे मैंने टॉपिक का नेम फैमिली प्लानिंग लिखा है, सब्जेक्ट का नेम मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा है। टोटल टाइम मेरे पास एक घंटा है, और एक घंटा टीचर का नेम क्या होगा और डेट क्या होगी उस दिन, ठीक है। डेट मैंने नहीं लिखी क्योंकि डेट चेंज होती रहती है। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे हमारे पास, ये तो एग्जाम्पल है ना मैंने आप लोगों को दी। वेन्यू क्या, कौन सा होगा, क्लासरूम जो है रूम नंबर 5 होगा, रूम नंबर 3 होगा, वो हमारा वेन्यू होगा। ये जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, लेसन प्लान में ये सबसे चीज़ें ज़रूरी होती हैं लिखनी, कि देखने वाले को, जिसने भी आपका लेसन प्लान चेक करना है, दूसरे स्टूडेंट ने करना है, आपके टीचर ने करना है या किसी प्रिंसिपल ने करना है, तो फौरन उसको पता चल जाए कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका टॉपिक कौन सा जो इसने पढ़ाना है, और ये किस टीचर ने बनाया हुआ है, इसके पास टाइम क्या होगा, और इसने किन स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट होंगे पढ़ाने, और स्टूडेंट कौन से होंगे, प्रूफ कौन सा होगा चल रहा, फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर, और वेन्यू कहाँ इसने लेक्चर देना। और ये जो लेसन प्लान होते हैं, इस अकॉर्डिंग टू दैट लेसन प्लान प्रिंसिपल हमें चेक करने आ जाती है कि फलां टीचर फलां क्लासरूम में होगा और उसने ये लेक्चर प्रेजेंट करना है। अगर हमारे पास लेसन प्लान कोई हो, हमने प्रिंसिपल को दिया या हमारे प्लानर में जो डाला होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, कोई चेक करने के लिए आ जाए, तो उसमें टीचर को पूछा जाता है भी आपका आज का प्लान कुछ और था, तो आप पढ़ाने कुछ और जा रही हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव मैंने कहे थे, ऑब्जेक्टिव ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा कॉलम, उसमें ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड कॉलम में कंटेंट्स है। थर्ड कॉलम में जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज है, कि टीचर ने क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है, जैसे डिफाइन विद एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन कैसे करनी है, एक्सप्लेनेशन देके हमने। फिर अगला मेरा लेक्चर जो है यहाँ से मैं आ रही हूँ,
ऑब्जेक्टिव पे जाएं, फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव होगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फैमिली प्लानिंग। मेरा आज का जो टॉपिक था वो फैमिली प्लानिंग, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है, वो फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग की मैंने डेफिनेशन पढ़ानी, डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फैमिली प्लानिंग एट द एंड ऑफ दिस सेशन। जो मैंने फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ानी है, स्टूडेंट उसको डिफाइन करने के काबिल हो जाएगा। अब डेफिनेशन जो मैंने पढ़ानी है उसको मैंने कैसे पढ़ाना, मेरी टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, मेरे पास डिफाइनिंग विद एक्सप्लेनेशन होंगी, ठीक है, और टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है मेरे पास स्लाइड्स होंगी, पावर पॉइंट पे पढ़ा रही होंगी। मेरे पास टाइम कितना होगा इस डेफिनेशन को पढ़ाने के लिए, इस डेफिनेशन को पढ़ाने के लिए मैंने 5 मिनट दिए हैं, ये ऊपर टाइम नजर आ रहा ना। अब 5 मिनट में मैं डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग पढ़ा दूंगी और मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ जो मेरे टीचिंग स्ट्रेटजी थी वो मेरी एक्सप्लेनेशन भी होती है। स्ट्रेटजीज या एड ही एक चीज भी, एक हम कॉलम भी इसमें बना सकते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग एड्स। अब एड्स जो चीजें हमने यूज करनी वो मैं पावर पॉइंट यूज करूंगी, इस पे मेरी स्लाइड चलेंगी और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूंगी। एट द एंड ऑफ द सेशन में अवेल्युएशन कैसे करूंगी, क्वेश्चन एंड आंसरिंग, मैं स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करूंगी और स्टूडेंट आंसर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने 5 मिनट उसको दिए थे, एक्सप्लेनेशन 5 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दी थी, पावर पॉइंट यूज किया था, स्टूडेंट को उसकी समझ आई है कि नहीं, मैं स्टूडेंट को उससे डेफिनेशन सुनूंगी। इसी तरह मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिस्कस द टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इसमें मेरा कंटेंट्स था टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग जो है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस द टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। पहले तो स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि क्या मेथड है, अब जब पता हो गया तो मेरे स्टूडेंट जो है वो एबल टू डिस्कस दैट टॉपिक, ठीक है, दैट कंटेंट कह लें, दैट ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करने के काबिल हो गए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि टेम्पररी या परमानेंट मेथड क्या थे। इसमें मैंने यूज क्या किया, टीचिंग स्ट्रेटजीज मेरी डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड था, 5 मिनट मैंने इसको दिए और पावर पॉइंट यूज किया, अवेल्युएशन में मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग की। जी, उसके बाद डिस्क्राइब मोड ऑफ एक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरियस, मुख्तलिफ इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है फैमिली प्लानिंग मेथड की, ये स्टूडेंट डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे, मोड ऑफ एक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरियस। अब स्टूडेंट डिस्क्राइब करने के काबिल इसलिए हो जाएंगे कि उनको डेफिनेशन भी आ गई, उनको टेम्पररी और परमानेंट मेथड का भी पता चल गया, उनको उसके मोड ऑफ एक्शन के ये जो यूज कर रहे हैं ये जाके एक्शन क्या करेंगी और इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। यहां तक मेरे स्टूडेंट इस काबिल हो गए कि वो इस चीज को डिस्क्राइब कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। इस डिस्कशन को मैंने 5 मिनट दिए और पावर पॉइंट यूज किया, क्वेश्चनिंग की मैंने, और लिस्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग के मेथड की लिस्ट आप कर सकते हो, जब मैंने आपको पढ़ाया मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इन लिस्ट द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, आप इन लिस्ट उसको करने के काबिल हो सकते हो, मेरे ऑब्जेक्टिव में है। इसमें डिस्कशन मेथड था, मेरा मैंने लेक्चर दिया, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया, 5 मिनट मैंने यूज किए, पावर पॉइंट मैंने आपको यूज करके दिखाया, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग की मैंने आपसे कि आपको बेटा समझ आई कि मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग क्या है। इसके बाद डिस्कस दी काउंसलिंग विद पेशेंट, कि पेशेंट के साथ फैमिली प्लानिंग जब करते हैं तो पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं पहले, तो मेरे स्टूडेंट को इस काबिल हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जब मैंने काउंसलिंग पढ़ाया, कि वो उनको पता चल जाएगा कि पेशेंट को काउंसलिंग कैसे करनी है। फिर मेरे डिस्कशन, इसमें मैंने क्या यूज किया था, लेक्चर दिया स्टूडेंट को, डिस्कशन की 5 मिनट मैंने इसमें यूज किए, पावर पॉइंट मैंने यूज किया और क्वेश्चनिंग आंसरिंग अपनी अवेल्युएशन में की। इसी तरह से जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, ये मैं अगली स्लाइड पे लेके जा रही हूँ, कि इसी तरह से हमने अपना लेसन प्लान पूरा करना है और लेसन प्लान के एंड पे जो है
डिस्कशन समराइजिंग, हमने समराइजिंग के लिए कुछ टाइम जरूर रखना होता है। अगर आप 5 मिनट में अपना लेक्चर समराइज कर सकते हो तो आपने 5 मिनट देने समराइजिंग के लिए। अगर आपने 10 मिनट में आप समराइज कर सकते हो होल लेक्चर, क्योंकि समराइजिंग करते वक्त भी हमें एक एक स्टेप एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा, तो आप 10 मिनट अकॉर्डिंग टू टीचर्स डिजायर के टीचर क्या चाह रहा है, टीचर कितने मिनट में उसको कंप्लीट कर सकता है, टीचर ने अपने हिसाब से टाइम सेट करना। फिर एंड पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। फिर आपने कुछ टाइम जो है डिस्कशन क्वेश्चनिंग एट द एंड ऑफ सेशन जो है आपने मिनिमम 5 मिनट जो है क्लास को देने होते हैं, जिसमें क्लास ने क्वेश्चनिंग करनी होती है और डिस्कशन करना होता है क्लास के साथ, वो हमने 5 मिनट दे दिए। उसके बाद हमने स्टूडेंट को असाइनमेंट देनी होती है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो असाइनमेंट देनी है, हमने स्टूडेंट को बताना कि कल फलां, जैसे मैंने आपको टीचिंग लर्निंग बताया, मेरा आज का जैसे टॉपिक है ना स्टूडेंट, जो मैं दे रही हूँ टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें मैं आज आपको टीचिंग प्लान, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था कि हाउ टू मेक द टीचिंग प्लान। ठीक है, अब टीचिंग प्लान या लेसन प्लान, हाउ टू मेक अ लेसन प्लान जो मेरा आज का लेक्चर था वो था। अब जो मैंने आपको एट द एंड ऑफ द सेशन जो असाइनमेंट देनी है वो उसमें 5 मिनट होने चाहिए। उस असाइनमेंट में मैंने बताना है कि जो मेरा आज का टॉपिक था, कल जो मेरा टॉपिक रिलेट कर रहा है, तो वो हमारा कल का टॉपिक होगा टीचिंग लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, मेरा कल का जो रियल मैंने कल लेक्चर प्रेजेंट करना है वो मेरा लेक्चर है कि लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट इन द क्लिनिकल एरिया। क्लिनिकल एरिया में पेशेंट की लर्निंग नीड क्या होगी, जो मैं आपको टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ा रही हूँ वो टीचिंग एंड लर्निंग मेरा पूरा जो यूनिट है वो लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट, कि आपने पेशेंट को लर्न कैसे कराना है, पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है, और क्लिनिकल एरिया में ये हाउ टू लर्न द पेशेंट, व्हाट यू लर्न द पेशेंट अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू डिजायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, आपने पेशेंट को जो है एजुकेट करना है। अब आज की मेरी असाइनमेंट ये है कि कल का मेरा जो टॉपिक है वो लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट इन द क्लिनिकल एरिया, ये मेरे 5 मिनट हैं। इसमें जो है आपने पढ़ना कहाँ से है, आपकी कुजियर की बुक के अंदर से टीचिंग लर्निंग का जो है वो टॉपिक आपने पढ़ना है, प्लस मेरी स्लाइड्स आपके पास होंगी, आप मेरी स्लाइड जो है उनको आपने देखना है, और आपने प्री रीडिंग जो है वो करके आनी है लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट, ताकि आपको जब लेक्चर प्रेजेंट किया जाए तो आप मोर क्लियर, आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर प्लान। इसमें जो चीज मैं बताने जा रही हूँ, ये देखो कि मेरा 1 आवर का लेक्चर था। 1 आवर में मैंने जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव जो है प्रेजेंट आपको किए, मैंने 1 घंटे में अपना लेक्चर आपको प्रेजेंट कर दिया। अब 1 घंटे में जो मैंने लेक्चर प्रेजेंट किया उसमें टाइम देखें, मेरी फर्स्ट रो जो चल रही है उसमें 5 मिनट, फिर 5 मिनट 10, फिर 15, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, आगे 10 ने 35 मिनट, आगे जो है 40 मिनट। इस स्लाइड में 40 मिनट मैंने दिए, और नेक्स्ट जो है ये मेरा यही लेसन प्लान चल रहा है 40, और 5 मिनट मैंने क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग को दिए 40, और 10 मिनट मैंने दिए समराइजिंग को 50 मिनट मेरे, और 5 मिनट मैंने क्वेश्चनिंग आंसरिंग को दिए 55 मिनट हो गए, और असाइनमेंट को मैंने कितने दिए 5 मिनट, मेरे यहाँ कितने मिनट हो गए 60 मिनट मैंने अपने पूरे कर दिए अपने इस लेक्चर में। ठीक है, इसी तरह से आप लेसन प्लान बनाते हो, एंड पे रेफरेंस देते कि ये लेसन प्लान आप लोगों ने कहाँ से बनाया। अगर बुक से बनाया तो आपने उस बुक का, अर्शद चौहान की बुक से मैंने बनाया, कुछ मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक से बनाया, कुछ मैंने वेबसाइट से अगर बनाया तो वेबसाइट का मैंने वहां से आप लिंक देना होता है। ठीक है, जहां से भी आप लोगों ने लेक्चर बनाना होगा आपने उस बुक का उस वेबसाइट का रेफरेंस देना होता। ठीक है, ये मेरे रेफरेंसेस हैं आज के जो मैंने आपको लेक्चर प्रेजेंट किया।
ठीक है, वो तो था ना मेरा लेसन प्लान। लेसन प्लान तो मैं आपका लेक्चर नहीं था ना आज का, आपका जो आज का लेक्चर था उसके रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए। तो अभी बेटा 10:15 हो गए, 10:30 पे आप लोगों ने वापस आना, 15 मिनट की ब्रेक करो। ठीक है बेटा, 15 मिनट की ब्रेक करके आओ आप लोग, 10:30 पे आपने वापस आना। ओके स्टूडेंट्स, बेटा 15 मिनट की ब्रेक कर रहा हूँ, उसके बाद वापस आ जाओ।
जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कम बैक प्लीज। स्टूडेंट्स वापिस आ जाएं प्लीज। जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स आर यू विद मी? हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट? 26। ओके जी स्टूडेंट, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। जी आज का जो लेक्चर मैं पढ़ा रही थी, टीचिंग एंड लर्निंग था। अब ये टीचिंग एंड लर्निंग उसी लेक्चर का जो है हमारे यूनिट का पार्ट, लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट, हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइड। अब हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइड में मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जब हम क्लिनिकल एरिया में जाते हैं ना, जो आपका सब्जेक्ट है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंगली एक तो आपको क्लिनिकल एरिया में वार्ड्स में भेजा जाता है और कुछ विजिट्स करवाए जाते हैं। अब विजिट्स जो करवाए जाते हैं वो हम क्रॉल बार आप लोगों को लेके जाते हैं। एक विलेज है बैकवर्ड सा एरिया, तो उसमें स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। तो जब आप लोगों को वहाँ लेके जाते हैं तो टीचिंग प्लान बनवा के मैं खुद आप लोगों के साथ जाती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आप स्टूडेंट्स से हैंड वॉशिंग पे एक प्लानर बनाया था और हैंड वॉशिंग पे उन्होंने जाके क्रॉल बार के विलेज के स्कूल में, हाई स्कूल था वहाँ स्टूडेंट्स का, तो उस स्कूल के अंदर और कुछ कम्युनिटी को कलेक्ट करके एक जगह पे हेल्थ टीचिंग के लेक्चर दिए थे। तो उसमें एक तो हैंड वॉशिंग पे दिया था, एक डाइट पे दिया था, न्यूट्रिशन पे, और तीसरा लेक्चर उनकी डिज़ायर थी कि ब्रेस्ट कैंसर पे देना। मे बी उन डेज पे ब्रेस्ट कैंसर का कोई डे था, जैसे डे होता है ना हर चीज़ का, इसी तरह कैंसर का डे था, तो उन्होंने कहा था ब्रेस्ट कैंसर का डे है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर किया था। स्टूडेंट जो है अपने कुछ मटेरियल लेके गए हुए थे यहाँ से, चार्ट पेपर और कुछ जो है चीज़ें, जैसे हैंड वॉशिंग के लिए जो है वाटर के लिए कुछ इक्विपमेंट साथ लेके गए हुए थे, कुछ सोप लेके गए हुए थे। इस तरह से इन्होंने वहाँ पे लेक्चर प्रेजेंट किए थे हेल्थ एजुकेशन के लिए। तो इसी हवाले से मैं जो आपको आज का लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आपके जो यूनिट है ना टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज लर्निंग एंड हाउ टू टीच। और उसमें दूसरा तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि हाउ टू मेक अ लेसन प्लान, ठीक है। और अब जो है ये जो हमारा लास्ट कंटेंट रह गया वो था हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइट, कि क्लिनिकल साइट पे हेल्थ टीचिंग कैसे करते हैं। तो आओ मैं आप सो मैनी जो है टॉपिक्स इस पे बन सकते हैं, लेकिन मैंने तो एक चीज़ पे बनाना था ना, मैंने जिस पे बनाया वो प्री ऑपरेटिव पेशेंट केयर है, ठीक है। कि जो है प्री ऑपरेटिव जो पीरियड है पेशेंट का वो कैसे होता, प्री ऑपरेटिव, अब ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दरमियान और ऑपरेशन के बाद जो है प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पेशेंट की वो कैसे करते हैं। तो ये है टीचिंग नीड ऑफ द पेशेंट। ये आपका क्या है, टीचिंग नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की नीड है कि उसको ऑपरेशन के लिए किस तरह से हमने टीच करना। प्री ऑपरेटिव रेफर टू द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट ड्यूरिंग द थ्री फेसेस ऑफ सर्जरी। अब जब हम सर्जरी करने के लिए जाते हैं, पेशेंट की सर्जरी करते हैं, तो उसकी थ्री फेसेस होती है। नंबर वन प्री ऑपरेटिव,
नंबर टू इंट्रा ऑपरेटिव, जो ऑपरेटिव के दरम्यान होता है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद। अ प्री ऑपरेटिव रेफर टू टाइम इंटरवल दैट बिगेन व्हेन द डिसीजन इज मेड फॉर सर्जरी अंटिल द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग रूम। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें डिसाइड कर दिया होता है पेशेंट का कि पेशेंट को जो है वो ऑपरेशन करना है, और पेशेंट को शिफ्ट जो है ट्रांसफर करने से पहले पहले का टाइम जो है दैट इज प्री ऑपरेटिव पीरियड। इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड फेज बिगेन व्हेन द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेशन रूम एंड एंड विद द क्लाइंट ट्रांसफर टू अ पोस्ट अनस्थीजिया केयर यूनिट। अब जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के साथ साथ अनस्थीजिया का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जब पेशेंट को अनस्थीजिया से आउट करते हैं ऑपरेशन के बाद, तो उसको एक साइड पोस्ट अनस्थेटिक रूम में रखते हैं, जिसको रिकवरी रूम भी बोला जाता है। वहाँ तक की केयर को क्या करेंगे, कहेंगे इंट्रा ऑपरेटिव। इसके बाद व्हेन द क्लाइंट लीव द ऑपरेटिव रूम, जब क्लाइंट ऑपरेटिव रूम या जो मैंने बताया था कि साइड रूम जहाँ पे ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रखा हुआ रिकवरी रूम, वहाँ से लेके इस टेकन आ प्री ऑपरेटिव जो है केयर यूनिट से लेके पोस्ट ऑपरेटिव फेज शुरू हो जाती है, कि ऑपरेशन के बाद की जो ऑपरेटिव फेज है वो शुरू हो जाती है जब ऑपरेशन रूम से हम लेके उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। फेज बिगेन दिस फेज कंटिन्यू अंटिल द क्लाइंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द केयर ऑफ द सर्जन। अच्छा, ये ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड में, वहां से लेके पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। मैंने आपको बताया कि प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव क्या है, ठीक है। ये पेशेंट को हमने एजुकेट करना है, एजुकेट क्या क्या चीज़ें करनी, वो स्टेप बाय स्टेप आती जाएगी। सर्जिकल इंटरवेंशंस, सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या होंगी, सर्जरीज आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अर्जेंसी एंड इंटरवेंशन ऑफ द सर्जरी। अब सर्जरी जो है इसकी भी आगे जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है, नंबर वन इमरजेंसी सर्जरी रिक्वायर इमीडिएटली। इमरजेंसी सर्जरी वो है जिसमें पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सर्जरी वो सर्जरी होगी जिसमें अपेंडिसाइटिस हुई, एकदम पेशेंट गया और उसके जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स हो गई और पेशेंट को सीवियर पेन है। सीवियर पेन के साथ जब जाता है वो देखते हैं कि उसकी अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, अगर इसको एमरजेंसी में ऑपरेशन ना किया तो परफोरेट हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एमरजेंसी ऑपरेशन, ठीक है। अब इसकी इंटरवेंशन जो है सस्टेन लाइफ के लिए, ये सस्टेन लाइफ, अगर उसकी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स हो गई, ये उसको एमरजेंसी में ऑपरेट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। सेकंड वन जो है अर्जेंट सर्जरी डिक्टेट इंटरवेंशन एज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ इन सिचुएशन दैट आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो अर्जेंट सर्जरी है इसमें जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, इसमें डेथ होने का खतरा नहीं होता, बट पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम इस सर्जरी को करते हैं, अर्जेंट सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट क्या, उसके किसी पेन हो रही है, एब्डोमिनल पेन, उसकी गट जो है वो उस पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी गट में। अब गट में जो पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें पेशेंट की डेथ नहीं होगी, बट पेशेंट जो है उसको ऑपरेशन करके उस गट की ऑब्स्ट्रक्शन को खोला जाएगा। अब उसमें पेशेंट की डेथ नहीं होनी, बट हमारा पेशेंट जो है वो पेन में होगा, पेशेंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम में होगा, बट उसकी डेथ नहीं होगी, तो उसका अर्जेंट जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी पेन है उस वक्त हो रही उसको, वो अर्जेंटली उसका ऑपरेशन करके जो पेशेंट हमारा सफर कर रहा है उसकी हेल्थ को मेंटेन कर दिया गया, ठीक हो गया। तीसरा है इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरी है जिसमें हम प्री प्लान सर्जरी करते हैं। इलेक्टिव सर्जरी इज यूजली परफॉर्म एट अ टाइम कन्वीनियंट टू द पेशेंट।
पेशेंट को कन्वीनियंट बनाने के लिए जो हम सर्जरी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्टिव सर्जरी। तो इसमें लिखा हुआ कि पेशेंट को कन्वीनियंट बनाने के लिए, इसमें पेशेंट को कन्वीनियंट बनाने के लिए भी और डॉक्टर और नर्सिस को कन्वीनियंट बनाने के लिए भी, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए डॉक्टर उनको टाइम दे देते हैं, मे बी डॉक्टर को आज कोई और काम है तो उसको सर्जरी नहीं कर सकता या उसका आज का डे नहीं है। सर्जरी के भी हर हॉस्पिटल में डेज होते हैं, टू डेज एक यूनिट के, टू डेज दूसरे के, अकॉर्डिंग टू जो है हर यूनिट के, हर हॉस्पिटल की अपनी अपनी जो है रूटीन्स होती हैं। तो वो अपने डे में सर्जरी करना चाह रहा है इसलिए उसने इलेक्टिव सर्जरी के लिए उसको वो टाइम और वो डे दे दिया डॉक्टर ने। और उसमें क्या पेशेंट भी कन्वीनियंट होगा, पेशेंट अपनी जो है प्रेपरेशन जो करनी वो भी कर लेगा, मेंटली भी फिट हो जाएगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो आराम से करवा लेगा। दूसरी जो है इलेक्टिव सर्जरी, तो जिसमें कन्वीनियंट ऑफ द पेशेंट भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट की सर्जरी मस्ट होगी। इलेक्टिव सर्जरी जिस तरह पेशेंट की सर्जरी मस्ट होगी, फॉर एग्जांपल ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे रिस्क होंगे, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो पेशेंट को इलेक्टिव सर्जरी के लिए बिफोर टाइम बता दिया जाता है कि फलां मंथ फलां टाइम फलां डे पे आपका जो है ऑपरेशन होगा, आके एडमिट हो जाना। इलेक्टिव सर्जरी भी हो गया, मैं बंद करूं। ओके, टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, कुछ प्रोसीजर होते हैं सर्जिकल के जिसमें डायग्नोस्टिक एक्सप्लोरेटरी जो है एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी डायग्नोस्टिक लेने के लिए कोई ऑर्गन जो है उसको एक्सप्लोर किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। वहाँ से जैसे हम सम टाइप करते हैं कि लीवर बायोप्सी करवाई है हमने, तो वो उसमें एक्सप्लोर करके स्टर्नम को लीवर से बायोप्सी ली जाती है, या किसी किडनी की बायोप्सी ली जाती है, उस जो है एरिया को उस पार्ट को एक्सप्लोर करके वहाँ से छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लैब में जाता है। वो ऐसे पेशेंट के लिए जेके कोई जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर तो नहीं, किसी को हेपेटाइटिस सी तो नहीं, इस टाइप की जो है टीबी तो नहीं, ये चीज़ें जो है देखने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए सर्जरी की जाती है, जिसको एक्सप्लोरेटरी या डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ दी सर्जरी बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव, अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी दैट सर्जरी जिसको पहले सर्जरी की हुई है तो दोबारा से उसको सर्जरी करना पड़ गया, या तो ओपन हो गया वहाँ से फूड या इन्फेक्टेड हो गया या कोई अंदर इंस्ट्रूमेंट रह गया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव सर्जरी मीन किसी चीज़ को क्योर करने के लिए। अब क्योर करने के लिए इसको प्लास्टिक सर्जरी भी कह देते हैं। अगर किसी जो है बॉडी ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का जो है बर्न हुआ है, बर्न में जो है उसका फेस जो है उसको दोबारा क्योर करने की ज़रूरत है, तो उसमें क्या करेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी उसकी करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव सर्जरी। पैलिएटिव, पैलिएटिव केयर या पैलिएटिव सर्जरी जो है, पैलिएटिव मैंने बताया था कि वो चीज़ जिसपे पेशेंट को जो है कम्फर्ट करने के लिए, पैलिएटिव केयर कई दफ़ा जो है आपको इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, एक दो दफ़ा यहाँ पे UHS के एग्जामिनेशन में भी पैलिएटिव केयर, व्हाट इज पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर इज दैट केयर जिसपे पेशेंट को हम जो है इलेक्टिव मेडिसिन देते हैं, इलेक्टिव केयर करते हैं उसकी। और इलेक्टिव केयर या इलेक्टिव मेडिसिन वो जो सिम्टोमेटिकली वो स्पेशली किसी जो है क्योर करने के लिए, दैट इज़ नॉट क्योर ओनली कम्फर्ट। जैसे हम इसमें पैलिएटिव केयर पहले बता दूं कि पैलिएटिव केयर इज दैट केयर जिसमें अगर कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर ठीक नहीं होना, अगर कैंसर की स्टेज थर्ड फोर है तो वो पेशेंट क्योर नहीं होगा, पेशेंट को हम पैलिएटिव केयर देंगे क्योंकि वो पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में होगा, उसको पेन है तो हमने पेन रिलीवर दे देना, उसको फीवर है तो फीवर रिलीवर दे देना, उसको वॉमिट है तो उसको एंटी वॉमिट दे देना, अगर उसको जो है कॉन्स्टिपेशन है तो हमने कोई भी लेग्जेटिव दे देना। इसी तरह से ऐसे ही पेशेंट की जो पैलिएटिव सर्जरी करते हैं दैट इज दैट डजंट मीन कि पेशेंट जो है वो
नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा कि जैसे जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द कैंसर, कैंसर में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, उसकी हम रूट्स तो खत्म नहीं कर सकते, बट उसमें जो ग्रोथ हुई है उसमें पेशेंट को कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए और पेशेंट को थोड़ा जो है स्टेबल करने के लिए पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। जो ग्रोथ एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है उसको निकालने के लिए सर्जरी कर दी, बट उसकी हम कैंसर की जो रूट्स है उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जो इंटरनली सेल्स जो है इंटरलिंक एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गए हैं, उसके उस सारे ऑर्गन्स को या ब्लड के अंदर से हम नहीं निकाल सकते, बट अगर किसी ऑर्गन में ज्यादा ग्रोथ हो गई तो वो हम निकाल सकते हैं। ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट मीन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट, ये सर्जरीज मैंने बताई। और एक सर्जरी जो मैंने आपको बताई नहीं या इसके अंदर भी नहीं है, जो मेरे जहन में आ रही, जो नॉर्मली हम सर्जरी करते हैं किसी ऑर्गन को ठीक करने के लिए, जैसे एक्सप्लोर करते हैं हम किसी ऑर्गन को, अपेंडिसेक्टमी। मैंने जैसे रूटीन में बताया था कि अपेंडिसेक्टमी, एक तो इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी होती है, और एक अपेंडिसेक्टमी अगर है और वो इन्फ्लेम्ड नहीं हुई तो उसमें इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, उसमें जो है हम इलेक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं। और ये सर्जरी जो है ये भी क्योरेटिव की तरफ जाती है कि पेशेंट जो बिल्कुल हमारा रिकवर हो गया है। सेटिंग, एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स एंड फिजिशियंस ऑफिसेस आर द यूजुअल सेटिंग फॉर माइनर सर्जरी। अब माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स के ऑफिसेस में भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो जो है आउटडोर में है। आउटडोर में अगर डॉक्टर बैठे हैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर में नहीं पेशेंट को ले जाते लेके जा रहे, अगर माइनर सा कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है कहीं लग गई है तो वो उसी वक्त उनके पास माइनर से जो है कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है ना, जैसे कांटा पाव में चुभ जाए फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो वो उसको ऑपरेशन थिएटर थोड़ी लेके जाएंगे, माइनर सी सर्जरी वो वहीं उसको कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह ऑपरेशन थिएटर और एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी सर्जरी या एम्बुलेटरी केयर सेंटर जो है उनमें भी माइनर सर्जरीज हो सकती है। अब एम्बुलेटरी मेरे से पूछोगे क्या है, कि ये एम्बुलेटरी जो है एम्बुलेंस में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। स्टूडेंट्स बदतमीजी नहीं करो, स्टूडेंट्स बदतमीजी नहीं करो, अच्छा नहीं तो फिर मैंने आपको सही एक्सप्लेनेशन देके पढ़ाना भी नहीं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाऊंगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी। जी, आउट पेशेंट सर्जरी एरियाज, वन डे सर्जरी सेंटर्स फॉर फ्री स्टैंडिंग एम्बुलेटरी क्लिनिक्स प्रोवाइड द क्लाइंट एंड फिजिशियन विद अल्टरनेटिव सर्विसेज फॉर अर्जेंट एंड इलेक्टिव सर्जरी। ये उन्होंने मुख्तलिफ जैसे आउटडोर में हो गए एम्बुलेटरी सेंटर हो गए, या मुख्तलिफ किस्म के सेंटर या क्लिनिक जिसमें सर्जरी हो सकती है, ये सारी माइनर सर्जरीज हैं। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ केयर, अब ये सारी चीजें जो है हमने अपने पेशेंट को एजुकेट करना, अब जितनी मैंने आपको सर्जरीज पढ़ा बताई हैं, जितनी चीजें मैंने ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर और सर्जरीज के नेम, जितने ऑपरेशन होंगे, इलेक्टिव होगा, प्री ऑपरेटिव होगा, इमरजेंसी ऑपरेशन होगा, ये सारी टाइप जितनी भी मैंने ऑपरेशन की बताई, ये आप लोगों को पेशेंट को एजुकेट करना होगा कि आपका हम ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये आपको टाइम देना है। फिर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होगी, सर्जन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, डिटरमाइन द नीड फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन। अब उसको नीड फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन, अब सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए एक तो सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, साथ में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होंगी ना। सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होंगी कि उसने सर्जरी करनी है और उसने ऑपरेशन का टाइम देना है, और नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ क्या होगी कि वो एक तो अपने पेशेंट को एजुकेट करेगी कि उसका ऑपरेशन कितने टाइम का होगा, किस किस्म का ऑपरेशन होगा, किस टाइप की उसकी जो उसको जो बेनिफिट ऑपरेशन के क्या होगी, उस ऑपरेशन का आउटकम क्या होगा और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्री ऑपरेटिव केयर में। फिर डिटरमाइन दी सर्जिकल सेटिंग इन कोलिबरेटिव विद द क्लाइंट।
अब जो है कोलिब्रेटिव केयर करनी होगी क्लाइंट के साथ, क्योंकि जब सर्जरी करनी है पेशेंट की तो उसमें ना तो डॉक्टर अकेला कर सकता है, ना नर्स अकेली कर सकती, ना ही पेशेंट अकेला करवा सकता। उसमें कोलिब्रेटिव केयर होती है जिसमें एक टीम, जिस तरह मैंने कोलिब्रेटिव क्रिएट टीम कहा था, जिसमें एनेस्थेटिस्ट भी होगी, जिसमें जो है नर्स भी होगी, डॉक्टर भी होगी, क्लाइंट भी होगा और ब्लड बैंक वाले भी इन्वॉल्व होंगे, वार्ड की नर्सिस भी साथ में शामिल होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग, टीम वर्क होता है ये। अब टीम वर्क के लिए पेशेंट को बताना होगा कि हमारे पेशेंट भी तो इस टाइप के होते हैं ना, कि वहां जब आपने ऑपरेशन के लिए आना तो आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। एक टीम वर्क है हमारा, एक पूरी टीम होगी हमारी आपके साथ। ऑर्डर डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब जो ऑर्डर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑर्डर तो डॉक्टर ने करने हैं, इसको नर्सिस ने जो है टेस्ट करवाने, और इसको जो है प्री ऑपरेटिव केयर में एजुकेट करना पेशेंट को कि आपके फलां फलां टेस्ट होने। अब टेस्ट का मीनिंग ये नहीं है कि पेशेंट को पकड़ा और उसका ब्लड निकाल लिया या उसका जो है यूरिन ले लिया। पेशेंट को एक टाइम दिया जाता है कि फलां टाइम पे आपके फलां फलां टेस्ट होने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टेस्ट उसके, कुछ अल्ट्रासाउंड या कुछ टेस्ट जो है वो इस तरह से होते हैं कि वो फास्ट में लेने होते हैं, तो पेशेंट को एजुकेशन करके आना करवाना होता है कि आपने फास्ट में आना, आपके कुछ टेस्ट हो गए, या आपने कुछ फिर फास्टिंग के बाद, जैसे हम जो है शुगर के टेस्ट लेते हैं फास्टिंग एंड रैंडम, फास्टिंग के बाद फिर पेशेंट को बताना होता है कि साथ में आपने अपने लिए कुछ खाने के लिए लेके आना, ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच, जो भी उस टाइम जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली बताना कि आपने उस टेस्ट के लिए क्या चीजें लेके आनी। ठीक है, और उसके जो है टेस्ट के बाद, 2 घंटे के बाद आपने, टेस्ट के फौरन बाद आपने कुछ खाना है, और 2 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट होगा। इस टाइप के भी हमारे टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट मैं बता दूं कि ये होते हैं शुगर के टेस्ट। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शुगर का जो फास्टिंग हम में हम टेस्ट लेते हैं, तो पेशेंट को फास्ट में आना होता है, उसको बताना होता है कि रात आपने कुछ नहीं खाना और सुबह जो है फास्ट में हमारे पास आना, तो उसका एक सैंपल ले लिया जाता है। और पेशेंट को ये भी एजुकेट किया जाता है कि आपने आते वक्त साथ में ग्लूकोज, वाटर और जो है साथ में ग्लास और स्पून लेके आना। तो जब हम उसका फास्टिंग में एक सैंपल ले लेते हैं, तो उसको ग्लूकोज डाल के 250 ml वाटर में 100 जो है ग्राम, 100 ग्राम जो है वो ग्लूकोज डाल के उसको पेशेंट को पिलाते हैं। ठीक है, अब फिर दोबारा उसका जो टेस्ट है वो 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद दो टेस्ट लिए जाते हैं, उसको कहते हैं रैंडम टेस्ट। ठीक है, फास्टिंग एंड रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। इस तरह के और भी बहुत सारे, ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है ना, बहुत सारे और भी जो है वो टेस्ट जो है करवाए जाते हैं। इसलिए पेशेंट को बिफोर टाइम नर्स को एजुकेट करना पड़ता है कि कौन कौन से उसने टेस्ट करवाने हैं और कौन सी उसको केयर करते हैं, और उसके बाद कुछ और भी केयर्स हैं वो वन बाय वन आती जाएंगी। ऑब्टेंड क्लाइंट कंसेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर, और पेशेंट से कंसेंट लाजमी लेती हो लेनी होती है। जो पेशेंट का पेपर होता है, एक फाइल बनी होती है, उसमें एक जो है कंसेंट फॉर्म लगा होता है, प्री प्रोसीजर जो है उसको, उस पे कंसेंट लेते हैं पेशेंट की, कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है अनस्थीजिया देते हुए या ऑपरेशन करते हुए पेशेंट को कुछ हो गया तो डॉक्टर एंड नर्स विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली पेशेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। टीच द क्लाइंट अबाउट द आउटकम एंड रिस्क ऑफ द प्रोसीजर, और पेशेंट को इसके प्रोसीजर्स और रिस्क फैक्टर्स और इसके आउटकम का भी नर्स बताएगी। एक्सप्लेन एंड डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, रिस्क रिस्क फैक्टर एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द सर्जरी। पेशेंट को एजुकेट करना होगा कि ये जो सर्जरी की जा रही है वो किस नेचर की होगी, उसमें प्रोसीजर कौन सा यूज किया जाएगा, उसके रिस्क फैक्टर कौन से होंगे और उसका आउटकम क्या होगा सर्जरी का। तो ये किसने बताना होता है, एजुकेट करना होता है? नर्स ने। नर्स को बिफोर टाइम खुद एजुकेट होना होगा कि मैंने अपने पेशेंट को क्या क्या बताना है। एनेस्थेसिया प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा बेटा, ये जो हमारी स्लाइड है ना, आई थिंक के 4-5 स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड से मैं आपको कल दोबारा पढ़ाऊंगी। मैडम सादिया आके बैठी हुई है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इस वक्त मैडम सादिया अपना लेक्चर लोडिंग करना स्टार्ट करने लगी है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।
अनस्थीजिया प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, नर्स की, अनस्थीजिया की और पेशेंट की, ये यहाँ से मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, गुड बाय।